अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अन्नूर टीवी। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी हलके GBA 7 स्कर्दू 1 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के राजा मोहम्मद जिक्रिया खान ने साबिक वजीर आला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेहदी शाह को शिकस्त दे दी है। GBA 7 स्कर्दू 1 के 28 मुकम्मल पोलिंग स्टेशन की गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI उम्मीदवार राजा मोहम्मद जिक्रिया 5,288 वोट लेकर पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के मेहदी शाह 4,140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और सैयद मोहम्मद शाह गिलगित बल्तिस्तान के पहले वजीर आला रहे हैं। इनका दौरे हुकूमत दिसंबर 2009 से 2014 तक का था। मजीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 7 आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी ने तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत साजी का काम आसान कर दिया है। अब तक के नतज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के हवाले से बड़ी जमायत के तौर पर सामने आई है, जिसे हुकूमत बनाने के लिए मजीद 4 नशस्तों की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 9 नशस्तें हैं, जबकि इनके इतिहादी MWM भी एक नशस्त पर कामयाब हुई है। हुकूमत साजी के लिए इस वक्त 24 में से 13 नशस्तें दरकार हैं, जबकि 7 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों में से 3 को साथ मिलाना मुश्किल काम नहीं है। मकामी तजियाकार आमिर हुसैन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नतायज तकरीबन इसी तरह सामने आए जिस तरह तवक्को की जा रही थी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि वो 7 से 8 नशस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कांटे के मुकाबले के बाद इनके उम्मीदवार जीतने में कामयाब ना हो सके। इनके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाने की शायद कोशिश भी नहीं करेंगी, क्योंकि इनको ऐसा करने के लिए तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना पड़ेगा, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। इसलिए अब वो अपोजिशन में ही बैठेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में GB में वजीर आला कौन होगा। मकामी सहाफियों के मुताबिक साबिक स्पीकर फिदा मोहम्मद नशाद वजारत आला के मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे थे, ताहम वो शिकस्त के नतीजे में इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। वजारत आला के दीगर उम्मीदवारों में GB 6 हंजा से उबैदुल्ला बेग और GB 13 अस्तूर से कामयाब होने वाले खालिद खुर्शीद के बारे में कहा जा रहा है कि वो वजारत आला के मुतवक्के उम्मीदवार हैं। इंतखाबात के सरकारी नतायज जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन जीती गई नशस्तों के तनासिब से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशस्तों का ऐलान करेगी। कानून साज असम्बली के पहले इजलास में इरकान के हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा, जबकि अगले रोज वजीर आला का इंतखाब होगा। इमरान खान की जेर क्यादत PTI गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले गर्मा गर्म मुकाबला इंतखाबात में वाहिद सबसे बड़ी जमायत बनकर उभरी है। गैर सरकारी और गैर मुसद्दिका नतायज के मुताबिक हुक्मरान जमायत ने 9 नशस्तें हासिल की, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर क्यादत पीपल्स पार्टी 3 फतूहात के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि मुस्लिम लीग नून JUIFA और MWM ने 1-1 नशस्त जीती और आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशस्तें हासिल की। PTI कारकुनों ने इसके उम्मीदवार राजा जिक्रिया खान की जीत का जश्न मनाया, जिसने GBLA 7 स्कर्दू 1 की नशस्त पर पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला सैयद मेहदी शाह को शिकस्त दी। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक PTI उम्मीदवार ने 5,290 वोट हासिल किए, जबकि सैयद मेहदी शाह ने 4,114 और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अकबर ने सिर्फ 196 वोट हासिल किए। दूसरी नशिस्त PTI ने हासिल की GBLA 11 खरमिंग, जहां इसके उम्मीदवार सैयद अमजद अली ने आज़ाद उम्मीदवार सैयद मोहसिन रिजवी को शिकस्त दी। अगरचे पोलिंग का अमल पुरअमन रहा, ताहम शाम के वक्त स्कर्दू और गेजर के मुख्तलिफ इलाकों से झड़पों की खबरें वोटों की गिनती के वक्त सामने आई। स्कर्दू में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों के दरमियान इस वक्त झड़प शुरू हो गई। जब गिनती अभी जारी थी, पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि PTI कारकुनों ने पार्टी दफ्तर पर हमला किया है और इसके नतीजे में इसके 7 कारकुन जख्मी हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे अन्नूर TV। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्नूर TV को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। शुक्रिया।